नम नमः वेदांत सार की इस स्वाध्याय श्रृंखला में मैं जानकी शरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्वाध्याय की श्रृंखला के गत भाग में हमने अज्ञान की जो दो प्रकार की समष्टि और व्यष्टि इस प्रकार दो भेद बताए हैं उन दोनों भेदों का और उन दोनों भेदों से उपहित यानी अज्ञान की समष्टि और अज्ञान की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य हैं क्रमशः ईश्वर और प्राज्ञ उन दोनों का निरूपण उन दोनों के गुणों का वर्णन हमने पढ़ा और साथ में ग्रंथकार ने यह भी बताया था कि ये जो अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर और अज्ञान की व्यष्टि से उपहित चैतन्य प्राज्ञ इन दोनों में वस्तुतः परमार्थ दृष्टि से कोई भेद नहीं है अपितु तो दोनों में अभेद ही हैं इतना वर्णन करने के बाद में आज हम इस वेदांतसार की स्वाध्याय श्रृंखला के आठवें भाग में अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियों का हम विवेचन करेंगे ये दो प्रकार की शक्तियाँ आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ क्या हैं इनके द्वारा इस प्रकार से नाना प्रकार के प्रपंच की उत्पत्ति होती है इस विषय का हम स्वाध्याय करेंगे तो चलिए आज का हम स्वाध्याय शुरू करते हैं ग्रंथकार ने अज्ञान का लक्षण कहा था अज्ञान तो सदअस्याम अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम य इस यंचित वदंती अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात की जो अज्ञान है वह भाव रूप हैं त्रिगुणात्मक हैं और सत और असत रूप से उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता इसलिए वह अनिर्वचनीय हैं हम यहाँ अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियों का निरूपण करने से पहले ये जो अज्ञान है इस अज्ञान के बहुत सारे पर्यायवाची पद वेदांत दर्शन के विभिन्न ग्रंथों में प्रयुक्त होते हैं उन पर्यायवाची पदों का संक्षेप से परिचय प्राप्त करते हैं तो वेदांत के बहुत सारे ग्रंथों में इस अज्ञान के बहुत सारे पर्यायवाची पद हैं लगभग 12 से 13 के करीब पर्यायवाची पद हैं। उनमें से कुछ मुख्य पर्यायवाची पदों का हम परिचय प्राप्त करेंगे जैसे अज्ञान के लिए कहीं कहीं माया कहा है कहीं अविद्या कहा है कहीं अव्यक्तम कहा है कहीं अव्याकृतम भी कहा है कहीं प्रकृति भी कहा है और कहीं ही यानी देवात्म शक्ति भी कहा है तो ये सभी अज्ञान के पर्यायवाची पद हैं और इन सभी का अर्थ स्थूल दृष्टि से एक ही है यद्यपि वेदांत दर्शन के जो प्रकरण ग्रंथ और कुछ वाद ग्रंथ हैं उनमें इन सभी पर्यायवाची पदों में अत्यंत सूक्ष्म भेद हैं उस भेद का निरूपण किया गया है हम उस अत्यंत सूक्ष्म भेद का निरूपण नहीं करके ये जो मुख्य मुख्य अज्ञान के पर्यायवाची पद हैं ये अज्ञान की किस शक्ति को या अज्ञान के किस अंश को लेकर उनका इस तरह से नामाभिधान किया है उसका हम थोड़ा विचार करते हैं सबसे पहले उसको हम कहते हैं अज्ञानम तो यहाँ जो अज्ञानम का यह अर्थ है कि यह जो अज्ञान है यह ज्ञान का विरोधी है क्योंकि यहाँ नए जो पद हैं वह विरोध का वाचक हैं अतः ज्ञान का विरोधी होने के कारण इसको अज्ञान कहते हैं इस अज्ञान का दूसरा नाम माया भी है माया का क्या अर्थ है तो माया के दो अर्थ हैं एक अर्थ ऐसा है कि माँ इत्युक्ते माँ न विद्यते और या इत्युक्ते सा इत्युक्ते न विद्यते सा अर्थात कि ये जो है माया है यह वस्तुतः परमार्थ स्वरूप से इस माया की कोई स्थिति नहीं है जिस प्रकार से ब्रह्म की परमार्थ स्वरूप से स्थिति होती है माया की वैसी कोई परमार्थ दृष्टि से स्थिति नहीं होती इसलिए इसलिए इसको माया कहते हैं ये माया की पहली व्युत्पत्ति है और दूसरी वस्तुतः माया की व्युत्पत्ति है कि जो विशुद्ध सत्व प्रधान होती है वह माया होती है क्योंकि अज्ञान है उस अज्ञान में तीनों गुण हैं सत्व रजस्तम तो जिस समय उस अज्ञान में विशुद्ध सत्व है वह प्रधान रहता है तब उसी अज्ञान का नाम माया होता माया होता है और इस अज्ञान का दूसरा पर्यायवाची पद अविद्या भी है तो अविद्या का यह अर्थ है कि जब उस अज्ञान में सत्व का प्रधान तो हो यानी रजोगुण और तमोगुण तो अभिभूत हो और सत्व गुण है वह प्रधान हो किंतु वह सत्व विशुद्ध नहीं होकर मलिन सत्व होता है तब उसी अज्ञान का नाम अविद्या होता है तो इस प्रकार से यहाँ माया और अविद्या में यह भेद हुआ कि विशुद्ध सत्व प्रधान है वह माया है और मलिन सत्व प्रधान है वह अविद्या है ये जो अज्ञान है माया है इसको वेदांत और उपनिषदों में कहीं कहीं प्रकृति भी कहा गया है इसको प्रकृति कहने का तात्पर्य यह है कि यह समस्त जो दृश्यमान चराचर जो जगत हैं तो ये जो चराचर जगत का मूल कारण यह है। इसलिए मूल कारण होने के कारण जो चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त यह जो माया है यह समस्त जगत का कारण है और समस्त जगत का जगत का कारणभूत होने के कारण इस माया को प्रकृति भी कहा गया है प्रकृति ही नाम कारणम इस माया के लिए कहीं कहीं अव्यक्तम इस प्रकार के पद का भी प्रयोग हैं तो अव्यक्तम इसलिए इसको कहा गया है इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो नाम और रूप इत्यादि के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसको हम कहते हैं व्याकृतम अथवा व्यक्तम ये जो माया है यह माया इस जगत की उत्पत्ति से पहले नाम और रूप के द्वारा प्रसिद्ध नहीं होती है नाम और रूप के द्वारा यह व्याकृत नहीं होती है व्यक्त नहीं होती है इसलिए इसको अव्यक्त भी कहा गया है और इसको अव्याकृत भी कहा गया है अव्याकृत का भी अर्थ यही है कि ये जो माया है यह माया नाम और रूप के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले अपने स्वरूप को व्याकृत नहीं कर पाती है व्याकृत का यहाँ अर्थ है अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष अथवा अनुभव नहीं करवा पाती हैं जैसे सामने कोई घट पट रखा हुआ है तो उसको हम उसका हम प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं क्योंकि वह व्याकृत हैं वह व्यक्त हैं क्योंकि उसमें नाम रूप ये अंश हैं किंतु यह जो माया है यह जगत की उत्पत्ति से पहले यानी जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तो कार्य की उत्पत्ति से पहले उस कार्य का जो कारण है उस कारण में रहने वाली जो कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है वह व्याकृत नहीं होती है अभिव्यक्त नहीं होती है इस कारण से इस माया को वेदांत दर्शन में अव्यक्तम अथवा अव्याकृतम भी कहा गया है उसके बाद में इस माया को परमात्मा शक्ति भी कहा गया है तो परमात्मा शक्ति का परमात्मा शक्ति कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि यह जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हैं उस ब्रह्म की यह शक्ति हैं और उस ब्रह्म के साथ में इस ये जो माया है यह माया भी अनादि हैं यद्यपि माया ब्रह्म के साथ में माया का जो योग हैं वह योग भी अनादि हैं और माया है वह भी अनादि है वेदांत दर्शन में छह जो पदार्थ हैं वह अनादि माने जाते हैं इसलिए यह परमात्मा की शक्ति है और परमात्मा की शक्ति होने के कारण इसको परमात्मा शक्ति अथवा देवात्म शक्ति भी कहा जाता है तो इस प्रकार से यहाँ ग्रंथ का यहाँ हम इस ग्रंथ का आरंभ करने से पहले ये जो अज्ञान के विषय में माया के विषय में जितने भी पर्यायवाची पद हैं उनमें से कुछ प्रमुख पर्यायवाची पदों का हमने यहाँ विवरण संक्षेप में प्राप्त किया अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये जो अज्ञान है इस अज्ञान की दो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों को मानने की आवश्यकता क्या है तो यहाँ एक हमारे मन में प्रश्न ऐसा होता है कि जब ब्रह्म है वह ब्रह्म स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप हैं तब उस ब्रह्म के उस ऐसा जो स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है उस ब्रह्म का अज्ञान के द्वारा तिरोधान कैसे हो सकता है यानी ये जो अज्ञान है उस अज्ञान के द्वारा ब्रह्म का आच्छादन कैसे हो सकता है ब्रह्म के ज्ञान का नाश कैसे हो सकता है ये पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न यह है कि वेदांत में वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाणम उपनिषदों में वेदांत के ग्रंथों में ब्रह्म को असंग और उदासीन कहा गया है पुष्कर पलाशवत निर्लेप कहा गया है तो ये जो ब्रह्म है यह जब असंग और उदासीन है तो ऐसा असंग और उदासीन ब्रह्म जगत का उत्पादक कैसे हो सकता है जगत का कारण कैसे हो सकता है ये दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो पहला प्रश्न हुआ कि जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है स्वयं प्रकाश ऐसा स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप ब्रह्म उस ब्रह्म का अज्ञान के द्वारा तिरोधान कैसे हो सकता है और दूसरा असंग और उदासीन ब्रह्म जगत का कारण कैसे बन सकता है तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में वेदांत दर्शन का यह कहना है कि अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं एक है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति वेदांत सारकार इस तरह से कहते हैं अस्य अज्ञान अस्य यानी इस प्रकार का यह जो अज्ञान है जिस अज्ञान का लक्षण हमने पूर्वोक्त कहा है तो पूर्वोक्त लक्षण से लक्षित यह जो अज्ञान है इस अज्ञान की आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। इस अज्ञान की आवरण शक्ति और शक्ति तो एक आवरण नाम वाली और दूसरी विक्षेप नाम वाली ये दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं किसकी अज्ञान की तो ये जो आवरण शक्ति है नाम से ही हम आवरण शक्ति के नाम से ही पता चलता है कि यह जो अज्ञान की आवरण शक्ति है ये जरूर किसी न किसी का आवरण करती है आवरणम नाम आच्छादनम ढक देती है तो जो अज्ञान की आवरण शक्ति होती है वह आवरण शक्ति किसी भी वस्तु का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप का आवरण कर देती है यानी उस स्वरूप को ढक देती है जैसे आ, मंद अंधकार में रखी हुई कोई रस रस्सी है उस रस्सी का जो स्वरूप है रज्जू का जो स्वरूप है उस रज्जु के स्वरूप को मंद अंधकार आवृत कर देता है उसी तरह से अज्ञान की आवरण शक्ति भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित कर देती है और जो विक्षेप शक्ति है वह विक्षेप शक्ति उस आवृत वस्तु में उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करती है यानी विक्षेप शक्ति है वह उसमें आवृत वस्तु से भिन्न विविध विविध अवास्तव रूपों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य इस विक्षेप शक्ति में होता है तो इस प्रकार से आवरण और विक्षेप नामक जो दो प्रकार की शक्ति है इन दो प्रकार की शक्तियों से युक्त यह जो अज्ञान है यह अज्ञान जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप ब्रह्म है उस ब्रह्म के साथ में इस अज्ञान का संपर्क है वह भी अनादि संपर्क है और अज्ञान की इस आवरण शक्ति से ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप है वह आवर्त हुआ सा प्रतीत होता है यद्यपि आवर्त नहीं होता है ब्रह्म का स्वरूप फिर भी प्रतीत होता है कैसे प्रतीत होता है वो एक उदाहरण के द्वारा ग्रंथकार आगे बताएंगे और उसी ब्रह्म में इस अज्ञान की विक्षेप शक्ति के द्वारा विविध पदार्थों की सृष्टि होती है तो इस प्रकार से ये अज्ञान की दो प्रकार की शक्ति हुई अब ये जो अज्ञान की आवरण शक्ति है जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित करती हैं उसको समझाने के लिए ग्रंथकार ने यहाँ एक बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण दिया है क्या उदाहरण है वो हम यहाँ देखते हैं तो इस ये जो अज्ञान की आवरण शक्ति के समर्थ में समर्थन में ग्रंथकार ने एक अत्यंत अनुरूप दृष्टांत प्रस्तुत किया है उनका ये कहना है कि आवरण शक्ति ही अज्ञान की आवरण शक्ति कैसी है तो कहा तावद अल्पोपि मेघ कि अज्ञान शक्ति अज्ञान की आवरण शक्ति जैसे कि अल्पोपि मेघ बादल हैं वो अल्प हैं तथापि अल्प मेघ अनेक योजन आयतनम अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम यानी वह जो अत्यंत अल्प जो मेघ हैं वह अत्यंत अल्प मेघ भी अनेक योजन तक फैले हुए जो आदित्य मंडल, है। मंडल हैं आदित्य मंडल का अर्थ है सूर्य मंडल तो जिस प्रकार से सूर्य मंडल हैं उस सूर्य मंडल को अवलोकित्री नयन पथ विधायकतया सूर्य को देखने की इच्छा रखने वाला जो अवलोकिता है यानी जो दृष्टा है सूर्य को देखने की इच्छा रखने वाला जो दृष्टा है उस दृष्टा की जो दृष्टि है नयन पथ यानी उसकी जो नयन पथ यानी नेत्र के द्वारा वह जिस सूर्य को देखने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसका जो नयन पथ है उस नयन पथ का विधायक नयन पथ का वह बाध कर देता है नयन पथ का वह नयन पथ को बीच में से बाधित कर देता है और यथा आच्छादयती इव और जिस प्रकार से आच्छादयती इव यानी वो सूर्य को देखने की इच्छा रखने वाले दृष्टा का दृष्टा की जो दृष्टि है नयन पथ यानी उसकी जो दृष्टि है वह दृष्टि अल्प बादल से ढक जाती है वस्तुतः उसकी दृष्टि ढक जाती है और इस कारण से वह उस वह दृष्टा उस सूर्य को नहीं देख पाता है तो उस दृष्टा को ऐसा लगता है कि इस बादल ने सूर्य को ढक लिया है ना सूर्यम आच्छादयती इव प्रतीयते कि बादल हैं मेघ हैं वह सूर्य को आच्छादित करता हुआ प्रतीत होता है यद्यपि अनेक योजन विस्तार वाला ये जो सूर्यमंडल है ये सूर्यमंडल अत्यंत अल्प मेघ से अपि इस सूर्यमंडल का आच्छादन संभव ही नहीं है फिर भी ये जो बादल का टुकड़ा हमारी दृष्टा की नेत्र की जो रेखा है नेत्र, नेत्र के द्वारा सूर्य को देखने का जो मार्ग है उस मार्ग को ढक देता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसने बादल ने उस सूर्य को ही ढक दिया है तथा तो इस प्रकार से तथा तथा यानी उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से अल्प मेघ में बादल के छोटे टुकड़े में अत्यंत अल सैकड़ों हजारों योजना आयतन वाले सूर्यमंडल में सूर्यमंडल को ढकने का सामर्थ्य नहीं है, फिर भी सूर्यमंडल ढका हुआ सा प्रतीत होता है अल्प मेघ के द्वारा तथा अज्ञानम परिचिन्नमपि तथा यानी उसी तरह से अज्ञानम परिचिन्नमपि अज्ञान वह परिचिन्न हैं यानी अज्ञान वह सीमित हैं अल्प है तथापि फिर भी आत्मान आत्मान नाम परमात्मान ब्रह्म ब्रह्म को अपरिचिन्नम और वह परमात्मा कैसा है अपरिचिन्नम अपरिचिन्नम का अर्थ है परमात्मा देश काल और वस्तु से वस्तु की सीमा से रहित है यानी अनंत तो अनंत परमात्मा को भी और वह परमात्मा कैसा है तो कहा असंसारीणम संसारी यानी जीव से भिन्न तो यह जो असंसारी संसार से भिन्न जो परमात्मा है अपरिचिन्न परमात्मा है अनंत परमात्मा है उस अनंत परमात्मा को भी अवलोकित्री बुद्धि विधायक तया उस परमात्मा को देखने वाले जो दृष्टा है उस दृष्टा की बुद्धि के ऊपर आच्छादन कर देता है अज्ञान किंतु अज्ञान के द्वारा उस दृष्टा की बुद्धि आच्छादित होती है तो वह जो दृष्टा है वह यह समझता है कि इस अज्ञान ने इस अनंत परमात्मा को भी आच्छादित कर दिया है तो अवलोकित्री बुद्धि पिधायकतया आच्छादयती व है ना आच्छादयती इव इव का इव शब्द का प्रयोग किया है कि वस्तुतः अज्ञान में अनंत असीमित परमात्मा को आच्छादित करने का सामर्थ्य नहीं है फिर भी वह अज्ञान दृष्टा की बुद्धि को आच्छादित कर देता है इसलिए उस उस दृष्टा को परमात्मा भी अज्ञान से आच्छादित हो गया है ऐसा प्रतीत होता है तादृशम सामर्थ्य अज्ञान में इस प्रकार का सामर्थ्य होता है तो इस प्रकार से अज्ञान की जो यह आवरण शक्ति है उस आवरण शक्ति में यह ऐसा सामर्थ्य है कि यद्यपि वह वस्तु के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित नहीं कर पाती हैं यानी परमात्मा को वह आच्छादित नहीं कर पाती है, है तथापि वह परमात्मा को आच्छादित करती हुई सी प्रतीत होती है हमारी बुद्धि को आच्छादित कर देती है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा भी इस अज्ञान के द्वारा आच्छादित हो गया है तो इस प्रकार का एक अज्ञान की आवरण शक्ति के विषय में दृष्टांत देकर अब ग्रंथकार ने यहाँ एक पूर्वाचार्यों के द्वारा भी प्रणीत ग्रंथ से एक उद्धरण दिया है तदुक्तम इस प्रकार से ग्रंथकार कहते हैं कि तदुक्तम जैसे कि कहाँ भी गया है कहाँ कहाँ गया है तो ये जो उदाहरण है घनच्छन दृष्टि घनचन्न यथा निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा बद्धवदभाति यो मूढ़ दृष्टे है स स्वरूपो हम आत्मा यह जो पद्य है यह पद्य शंकराचार्य जी के जो चार शिष्य हैं उनमें से एक शिष्य है हस्तामलकाचार्य उन हस्तामलकाचार्य के द्वारा प्रणीत एक ग्रंथ है हस्तामल वहाँ वहां से यह उद्धरण लिया गया है इस उद्धरण में अज्ञान की आवरण शक्ति में क्या सामर्थ्य है उसका बड़ा बड़े सुंदर तरीके से विवेचन किया गया है क्या कहते हैं यह ग्रंथकार घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न दृष्टि ही, ही कह अति मूड जैसे कोई मूर्ख मनुष्य है और उस मूर्ख मनुष्य की जो दृष्टि है वह कैसी है तो वह दृष्टि है घनच्छन दृष्टि घन यानी मेघ बादलों के द्वारा जिसकी दृष्टि है वो ढक गई है तो बादलों के द्वारा ढकी हुई दृष्टि वाला जो मनुष्य है वह मनुष्य घन छन्नम यथा मन्यते वह मूढ़ व्यक्ति सूर्य को भी बादलों से ढका हुआ ही मान लेता है यद्यपि उस व्यक्ति की जो दृष्टि है वह बादलों से आच्छादित हुई है किंतु वह मानता क्या है वह यह मानता है कि इस बादलों इन बादलों ने सूर्य को आच्छादित कर लिया है तथा उसी तरह से बद्धवद भाती यो मूढ़ दृष्टि है उसी तरह से जिस मूढ़ दृष्टि को यानी मूर्ख मनुष्य को ये जो परमात्मा है यह नित्य आनंद स्वरूप हैं सत्य स्वरूप हैं चित्त स्वरूप हैं तो ऐसा जो नित्य उपलब्धि स्वरूप वाला परमात्मा है वह परमात्मा भी नित्य मुक्त परमात्मा भी बद्धवद भाती वह बंधन में जकड़ा हुआ है इस तरह का प्रतीत होता है किंतु वह वस्तुतः परमात्मा कैसा है तो वह है सह नित्योपलब्धि स्वरूप परमात्मा तो नित्य उपलब्धि स्वरूप उसका नित्य ज्ञान होता है कथम अहम आत्मा अहम अहम इस प्रकार से उसी परमात्मा का हमें ज्ञान होता है तो इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार ने पूर्वाचार्यों के भी इस बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा इस अज्ञान की आवरण शक्ति का क्या सामर्थ्य है उसका एक विवेचन किया है अब ये जो अज्ञान की आवरण शक्ति है उसका कार्य क्या है तो कार्य अब यहाँ वेदांत सारकार कहते हैं कि अनय आवरण शक्तिया अनयव यानी इसी अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा क्या होता है तो अवच्छिन्न से आत्मन यानी यह जो आत्मा है यह आत्मा अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा आच्छादित होने के कारण ये जो आत्मा है इस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि संसार भावना भी बवती यहाँ इसका अर्थ यह है कि वेदांत दर्शन में यह जो आत्मा है यह आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है और आनंद स्वरूप हैं और असंसारी हैं इस प्रकार का कहा गया है किंतु जब यह आत्मा ऐसा जो अपरिचिन्न आत्मा अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा आच्छादित हुआ सा प्रतीत होता है तो अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा आच्छादित यह आत्मा इस आत्मा में कर्तृत्व की संभावना होती है अहम कर्ता इस प्रकार की संभावना होती है भोक्तृत्व की भी संभावना होती है ए भोगानाम अहम भोक्ता है ना इन इन भोगों का मैं भोगता हूँ और सुखित्व दुखित्व अहम सुखी अहम दुखी अहम संसारी अहम पुण्यवान अहम पापात्मा इस प्रकार की जितने भी यह जो सं प्रपंच की जो संभावनाएं हैं ये प्रपंच की संभावनाएं इस असंग और उदासीन आत्मा में अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा ही होती हैं उदाहरण से बड़े एक अच्छे उदाहरण के द्वारा इस सिद्धांत को ग्रंथकारें वो समझाते हैं कहा कि यथा जैसे कि स्वाज्ञान आवर्तायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना जैसे अपने ही अज्ञान से आवर्त जो रज्जु हैं उस रज्जु में सर्प की संभावना होती है जैसे कहीं कोई रज्जु रखी हुई है किंतु जब उस रज्जु का मंद अंधकार के कारण उस रज्जु के स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ जो मंद अंधकार है वह रज्जु के स्वरूप को आच्छादित कर देता है तब जो अपने ही अज्ञान से यानी रज्जू का ज्ञान नहीं हो रहा है तो रज्जू का जो अज्ञान है उस रज्जु के अज्ञान से वह रज्जु आवर्त होने के कारण उसी रज्जु में सर्पत्व की संभावना होती है हमें सर्प की प्रतीति होती है रज्जु को देखकर सर्प प्रतीत होने लगता है तो रज्जु को रज्जु का जो वास्तविक स्वरूप है उसको आच्छादित करने वाली है अज्ञान की आवरण शक्ति और उस रज्जु के अज्ञान से आवृत जो रज्जु हैं उस रज्जु में सर्प इत्यादि की संभावना है वह संभावना विक्षेप शक्ति के कारण होती है जो आगे ग्रंथकार कहेंगे तो इस प्रकार से अज्ञान की आवरण शक्ति का यहाँ विश्लेषण करके अब ग्रंथकार हैं वह यहाँ अज्ञान की जो दूसरी विक्षेप शक्ति है उस विक्षेप शक्ति का भी बड़ा सुंदर तरीके से विवेचन करते हैं उसको हम यहाँ देखते हैं गन् ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि विक्षेप शक्ति स्तु विक्षेप शक्ति अज्ञान की क्या है जो अज्ञान की दो दो प्रकार की शक्तियाँ बताई थी आवरण और विक्षेप उसमें से विक्षेप शक्ति तो क्या है तो कहा यथा जैसे कि रज्ज्व्ञानम स्वावृत रज्जो स्वशक्तिया सर्पादिक उद्भावयती जैसे रज्जु का जो अज्ञान है जब रज्जू का मन अंधकार में ज्ञान नहीं होता है तो उस रज्जू का रज्जू के विषय में जो अज्ञान है वह अज्ञान अपने रज्जू में रहने वाला जो अज्ञान है वह अज्ञान स्वावृत रज्जो वह अज्ञान अपने से आवृत जो रज्जु है उस रज्जू में स्वशक्तियाँ अपनी ही शक्ति के द्वारा सर्पाधिकम उद्भावित यानी अपनी जो विक्षेप शक्ति है उस विक्षेप शक्ति के द्वारा उस रज्जू में सर्प इत्यादि की संभावना को उत्पन्न करता है और हमें रज्जु में अंधकार के कारण रज्जु में सर्प इत्यादि की प्रतीति होने लगती है एवं अज्ञान उसी प्रकार यह जो अज्ञान है वह अज्ञान भी स्वावृत्तात्मनी यानी अज्ञान के द्वारा आवृत जो आत्मा है उस आत्मा में भी विक्षेप शक्तियाँ अज्ञान अपनी विक्षेप नामक शक्ति के द्वारा आकाशादि प्रपंचम उद्भावती यह जो आकाश वायु तेज जल इत्यादि जो प्रपंच है इस प्रपंच को उत्पन्न करता है कौन अज्ञान की विक्षेप शक्ति है यह आकाश आदि प्रपंच को उत्पन्न करती है तादृशम सामर्थ्यम अज्ञान की विक्षेप शक्ति में ऐसा सामर्थ्य है तो इस प्रकार से अज्ञान की जो आवरण शक्ति है वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को आवृत करती है और जब आत्मा का वास्तविक स्वरूप अज्ञान की आवरण शक्ति से आवृत हो जाता है तब अज्ञान की विक्षेप शक्ति उस आत्मा में आत्मा से भिन्न प्रपंच की उत्पत्ति करती हैं इस इस प्रकार का ग्रंथकार ने यह जो वेदांत का सिद्धांत है अज्ञान के विषय में उसका बड़े सुंदर तरीके से विवेचन किया और इस विवेचन को परिपुष्ट करने के लिए ग्रंथकार एक उदाहरण भी देते हैं एक पूर्वाचार्यों के वाक्य का उदाहरण भी देते हैं कि तदुक्तम जैसे कि कहा भी गया है कि विक्षेप लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत कि विक्षेप शक्ति अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है वह लिंगादि लिंगादि यानी लिंग का अर्थ है सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांडांतम ब्रह्मांड पर्यंत ये जो जगत है इस जगत को सृजित जगत की रचना करती है ये अज्ञान की विक्षेप शक्ति में सामर्थ्य है तो आज के इस पाठ में हमने अज्ञान की जो दो प्रकार की शक्तियां हैं उन दो प्रकार की शक्तियों का हमने विवेचन प्राप्त किया और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ग्रंथकार ने अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं इस सिद्धांत को परिपुष्ट किया तो आज के पाठ का जो हमारा सार है उस सार को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वेदांत के ग्रंथों में अज्ञान के लिए बहुत सारे पर्यायवाची पदों का भी प्रयोग किया गया है यद्यपि ये सारे के सारे प्रयोग पर्यायवाची पद है वो समान अर्थ का बोध करवाने वाले हैं किंतु वेदांत दर्शन के अत्यंत जो कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सिद्धांत की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म भेद भी इन पदों में हो सकता है इस पाठ में ग्रंथकार ने अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया है अज्ञान की दो प्रकार की शक्ति होती है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति जो ब्रह्म है वह ब्रह्म अज्ञान के द्वारा वस्तुतः आवर्त नहीं होता है अथवा हम दूसरे शब्दों में कहें तो अज्ञान में ब्रह्म को आवर्त करने का सामर्थ्य नहीं है फिर भी अज्ञान है वह ब्रह्म अज्ञान के द्वारा ब्रह्म आवर्त हुआ सा प्रतीत होता है जैसे अल्प में अल्प बादलों में सूर्य को सूर्य को आच्छादित करने का सामर्थ्य नहीं है फिर भी वह जो बादल हैं वह बादल दृष्टा की दृष्टि को बाधित कर देते हैं इसलिए उस दृष्टा को मेघ के द्वारा सूर्य भी आच्छादित हुआ सा प्रतीत होता है उसी तरह से यह अज्ञान भी दृष्टा की बुद्धि को बाधित कर देते हैं इसलिए परमात्मा भी अज्ञान के द्वारा आच्छादित हुआ सा प्रतीत होता है अज्ञान का जो संबंध है वह अज्ञान का संबंध परमात्मा यानी ब्रह्म के साथ में अनादि हैं और अज्ञान के संबंध के कारण ही जो सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में अनृत जड़ दुख रूप ये जो प्रपंच हैं यह प्रपंच प्रतीत होता है अज्ञान के द्वारा ही तो यह हमारे आज का जो पाठ है उस पाठ का सार है आप सभी हमारे इस वेदांत सार का जो ये जो स्वाध्याय प्रकल्प है उस प्रकल्प से आप जुड़े हुए हैं और आप सब बहुत लोगों की धनात्मक प्रतिक्रिया भी हमारे पास में आ रही है बहुत लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हम सामान्य कमेंट या फोन के द्वारा भी दे देते हैं और अगर कोई ऐसा बड़ा प्रश्न होगा तो उसका हम अलग से कोई वीडियो बनाकर हम समाधान करेंगे आप सभी लोग इस स्वाध्याय से जुड़े जुड़े हुए हैं और आप वो आप सबकी धनात्मक प्रतिक्रिया आ रही है उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ तो इस प्रकार से आज हमारे ये जो पाठ हैं इस पाठ का हम यहीं विश्राम करते हैं अस्तु सर्वेभ्यो नमो नम अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिल सकें